वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ किरण की कुछ बॉडी जो बिगनर लेवल का है, एंड उसके साथ आप अपनी पॉन्ट भी लेके आए हो, लेकिन इसके साथ मैं आपको सिस्टिक में भी लेके आया हूँ जो आपको कम बजट में मिल जाता है, तो वो बॉडी भी लेके आया। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर लाजमी किया करो और बेल आइकन को प्रेस किया करो। जो भी नई वीडियो आपको आएगी तो आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा एंड नोटिफिकेशन आएगी। तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर आओगे तो आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाती है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे करते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई लेट मिलती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो आप लोग को जल्दी रिप्लाई मिल जाती है। तो वहाँ पर फॉलो भी जाके क्या करो एंड आप लोग अब बताते हैं कि कैनन के अंदर जो बॉडीज पड़ी हुई है और जो निकॉन के अंदर वाटमार्क पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो मैं बॉडी बताना चाहता हूँ, हमारे पास 7D के अंदर दो बॉडीज पड़ी हुई है। तो सबसे जो हमारे पास रफ कंडीशन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, जिसके हमको बताया कि आप ये रबड़ साइड वाले नहीं लगे हुए हैं और इसका थोड़ा सा कंडीशन 10-9 कंडीशन है। तो जो 7D बॉडी फोटोग्राफी की सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसके ऊपर जितनी मर्जी वीडियो बनाए एंड जितनी मर्जी तस्वीरें खींचे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक फंक्शन पे चलते हैं और आपको 2000 शूट की ज़रूरत है तो आपको जो 7D बॉडी है इसकी जो बैटरी है 1800 mAh बैटरी है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा शूट देता है एंड इसके अंदर वीडियोज़ भी वीडियो के लिए ऑप्शन भी जो है वो भी अच्छा है। लेकिन फोटोग्राफी के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये 7D है ही, फोटोग्राफी के ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप वीडियो की तरफ चलते हो तो वीडियो भी इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन भी मिल जाता है एंड वीडियो के लिए आपको ऑप्शन मिल जाए। जिसकी प्राइस है जस्ट बॉडी का 35K है, कैनन का 7D मॉडल है जिसका कंडीशन 10-9 कंडीशन है और इसके साइड वाले रबड़े नहीं लगे हुए। बाकी फ्रंट से अगर आप देख सकते हो तो फ्रंट बिल्कुल साफ़ सुथरी है एंड अगर आप नीचे से देखते हो तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है एंड अगर आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन जस्ट ये रबड़े इसके साइड वाले नहीं लगे हुए। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरी 7D पड़ी हुई है, ये 10x10 कंडीशन है, इसके साइड वाले रबड़ भी आपको मिल जाते हैं जो आपको कंडीशन आता है और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर भी बिल्कुल नई बॉडी है एंड नीचे से आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल 10x10 कंडीशन है। तो इसका जो प्राइस है 45K है, 45,000 रुपये है। कंडीशन पर डिपेंड करता है, DSLR कैमरे के अंदर जितने भी आप मॉडल देखते हैं तो आपका कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसा है। आपने देखा कि जो पहली बॉडी थी 35K में है एंड जो ये दूसरी बॉडी ये 45K में, क्योंकि इसकी कंडीशन के अंदर जितनी भी कंडीशन आपकी बॉडी साफ सुथरी हो तो उसका प्राइस उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर कंडीशन रफ होगी तो प्राइस इसका नीचे आता है। तो ये 7D का मॉडल था जो मैंने पहले भी आपको उसमें बताया कि ये फोटोग्राफी की सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए कि मैं एक टाइम में 2000 तस्वीर क्लिक कर सकूं तो आप इससे कर सकते हो। तो उसके बाद बड़ा हमारे पास 60D के अंदर हमारे पास दो बॉडीज़ पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी आपको जो पहली कंडीशन है हमारे पास 10-8 कंडीशन वाली बॉडी जो पड़ी हुई है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो इसकी कंडीशन। इसका मैंने शटर काउंट भी चेक नहीं किया हुआ है, लेकिन शटर काउंट हम ज़्यादातर चेक करते ही नहीं है। और जो हमारा 7D है, 7D के अंदर आपको रोटेटेबल LCD नहीं मिलता है, लेकिन 60D के अंदर आपको मिल जाता है। तो 60D ये कि आप वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी बैटरी भी 1800 mAh बैटरी है। और मैं यही कहूँगा आपको कि 7D और जो 60D बॉडी है इसको अगर आप कंपेयर करें तो इतने कुछ चेंज आपको नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह कि हमारे पास जो सिर्फ आपको जो चेंज आता है तो हमारे पास रोटेटेबल LCD का चेंज आ जाता है एंड जो इसके कार्ड स्लॉट है इसके अंदर SD कार्ड लग जाता है जो हर कैमरे के अंदर लगता है, लेकिन जो 7D है उसके अंदर आपको CF कार्ड लगता है जो कुछ कुछ मॉडल के अंदर लगता है, लेकिन कार्ड वो भी मिल जाता है। तो इसका जो प्राइस है खाली बॉडी का 35K है और ये 10-8 कंडीशन है और ये कैनन का 60D मॉडल है। तो उसके बाद जो हमारे पास पड़ा हुआ है 10-9 कंडीशन वाली बॉडी पड़ी हुई है, जो जस्ट ये रबड़ साइड वाली थोड़ी सी हल्की सी टूट गई हुई है, बाकी कंडीशन बिल्कुल 10-9 कंडीशन है एंड इसका जो शटर अकाउंट है सिर्फ 12,000 चला हुआ है, 12,000 शटर अकाउंट है क्योंकि इसका मैंने शटर अकाउंट चेक किया हुआ था एंड इसका पूरा सीरियल नंबर लगा हुआ है। और ये रिफर बॉडीज़ नहीं है, बाद लोग कहते हैं कि रिफर बॉडी है, नहीं ये रिफर बॉडी, अगर रिफर बॉडीज़ होती तो आप बिल्कुल 10x10 कंडीशन हम कहते हैं क्योंकि वो स्प्रे होकर नहीं लगती है जैसे नहीं होती है। तो ये रिफर बॉडीज़ नहीं है, ये ओरिजिनल बॉडी है और इसका सिर्फ 12,000 शटर अकाउंट चला हुआ है क्योंकि इसका मैंने चेक किया हुआ है, बाकी मॉडल्स का कोई भी काम मैं चेक नहीं करता हूँ। तो इसके अंदर भी रोटेटेबल LCD आपको मिल जाते हैं एंड इसकी कंडीशन भी अच्छी है। तो इसका जो प्राइस है आपको 50K मिल जाता है विद 1855 लेंस एंड अगर आपने जस्ट बॉडी लेना तो ये 45K में आपको बॉडी मिल जाएगी, कैनन का 60D मॉडल जो आप फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी तस्वीरों का जो बात है तो सबसे बेस्ट बॉडी एंड अगर आपका काम की बात करो 60D का तो इसकी पर जितनी भी मॉडल है सबसे बेस्ट मॉडल आपको 60D नज़र आएगी बिगिनर लेवल के लिए, कि अगर मैंने स्टार्ट करनी है तो आप 60D से करें क्योंकि आप जिस तरह इसको आप जिस तरह मर्जी चलाए जिस तरह मर्जी इसको यूज़ करें जितना हार्ड यूज़ करते हो आप इसको कर सकते हो क्योंकि ये बॉडी ही इसे बनी हुई कि ये आप हार्ड यूज़ कर सकते हो एंड इसका टाइमिंग भी अच्छी है बैटरी की और क्योंकि इसकी बैटरी 1800 mAh वाली है। तो उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो निकॉन के अंदर पड़ी हुई 7100 मॉडल है, वो बॉडी मैं आज लेके आया हूँ जो बिगिनर लेवल के लिए है एंड अगर आप जितना भी हार्ड यूज़ करें ना वो हमें काम देता है,
तो 71 सौ भी इसी बॉडी है कि आपको मैं बहादुर निकॉन के अंदर के सबसे बेस्ट फीचर आपको आ जाते हैं इसके अंदर। और ये भी जिस तरह मर्जी आप इसको यूज़ करें आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका जो कंडीशन है 10.8 कंडीशन है 71 सौ का, और आपको 18-105 लेंस के साथ ये आपको मिल जाता है 50K में 50,000 रुपये में, और ये 10.8 कंडीशन में है। लेकिन इसकी भी बैटरी आपको बेस्ट बैटरी मिल जाती है, टाइमिंग इसकी अच्छी है, लेकिन इसके लिए आपको पिक्स मिल जाती है। तो 71 सौ अच्छा मॉडल है। ये है कि इसके आप जो कंडीशन मैंने बताई 10.8 कंडीशन है, और इसका जो मैंने प्राइस बताया था 50K प्राइस बताया आपको 18-105 के साथ। तो उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो D610 बॉडी पड़ी हुई है, ये फुल फ्रेम का है, ये क्रॉप सेंसर नहीं है, ये फुल फ्रेम का है। और इसकी जो बॉडी का प्राइस है, जस्ट बॉडी का प्राइस 60K है, 60,000 रुपये का है, और इसकी कंडीशन भी 10.8 कंडीशन है। इसके साथ आपको बुक्स भी मिल जाते हैं, ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर है, और ये फुल फ्रेम का है, क्रॉप सेंसर नहीं है। जितनी भी बॉडीज वो सारे क्रॉप है, लेकिन ये D610 जो मॉडल है ये फुल फ्रेम है, इसका सेंसर जो है वो बड़ा लगा होता है। तो इसका जो प्राइस है जस्ट बॉडी का 60K है। तो उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता था कि सस्ते कैमरे जो होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको वीडियो आ जाती है और आपको माइक ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये हमारे पास एक 3100 पड़ा हुआ है एंड एक 1200D पड़ा हुआ है। तो सबसे मैं 1200D के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 18 मेगापिक्सल आता है, इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ये वीडियो के लिए आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो भी आप बना सकते हो इसके ऊपर एंड आपको फोटोग्राफी भी कर सकते हो इसके ऊपर। लेकिन गरीब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कैनन का 1200D मॉडल है, जिसका प्राइस आपको 25K मिल जाता है 25,000 रुपये का, और इसका जो कंडीशन है 10.8 कंडीशन है, साथ में 18-55 लेंस मिल जाता है, बैटरी चार्जर बैग एंड 3 मंथ्स वारंटी आपको साथ में मिल जाता है। कैनन का ये सस्ता कैमरा है, 1200D मॉडल है, जिसका प्राइस 25K आपको मिल जाता है विद लेंस। एंड इसके बाद आपको पता है निकॉन का D3100 मॉडल, जिसकी कंडीशन 10x10 कंडीशन है, एंड इसका भी प्राइस 25K, लेकिन इसका जो मेगापिक्सल है 14 मेगापिक्सल है, इसके अंदर भी वीडियो ऑप्शन है लेकिन माइक ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, और बॉडी का जो कंडीशन है 10x10 कंडीशन है, और इसका प्राइस मैंने आपको बताया 25K विद लेंस 18-55 के साथ। ये सोने की तरफ, तो सोने के हमारे पास पड़ा हुआ है अल्फा 3500 मॉडल है, इसका आपको बुक्स भी मिल जाता है एंड ये 10x10 कंडीशन है, और इसका जो है इसके अंदर आप वीडियो ऑप्शन है लेकिन इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसका प्राइस 35K 35,000 रुपए है, और इसका जो लेंस है वो ई माउंट लेंस है। सोनी के जितनी भी पुराने मॉडल लेंस है उसके ऊपर ये अटैच नहीं होता है, जितने भी नए मॉडल आते हैं तो उसका लेंस इसके ऊपर आप अटैच कर सकते हो। तो ये 20 मेगापिक्सल है, आप लोग देख सकते हो, एंड इसकी कंडीशन जो है बिल्कुल 10x10 कंडीशन है, और इसका प्राइस 35K है, एंड इसके साथ आपको बुक्स भी मिल जाता है और बैटरी चार्जर एंड 3 मंथ्स वारंटी भी आपको दे देते हैं। तो ये सोनी का मॉडल था जो आप लोगों ने देखा A3500, और इसकी कंडीशन 10x10 कंडीशन है। तो उसके बाद चलते हैं हमारे पास सोनी का एक और मॉडल पड़ा हुआ है, मिररलेस कैमरा है, जो आप लोग देख सकते हो इसकी कंडीशन भी 10.9 कंडीशन है, और आप लोग इसके साथ जो लेंस लगा हुआ है 1650 लेंस लगा हुआ है इसके साथ, और इसकी जो थोड़ी बहुत LCD भी ऊपर आ सकती है, अगर आप लोग देख सकते हो इसकी LCD ऊपर आ सकती है। सोनी का NX3 मॉडल है इसका, और ये 16 मेगापिक्सल है, और इसका जो प्राइस है 35K 35,000 रुपये है, 10.9 कंडीशन है, इसके साथ आपको जो लेंस लगा हुआ है 1650 लेंस लगा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है सोनी का H300 मॉडल पड़ा हुआ है, जिसका 20 मेगापिक्सल है एंड 35x जूम है, और ये 10x10 कंडीशन कैमरा है, जिसका प्राइस आपको मिल जाता है 20K 20,000 रुपये का है, और कंडीशन आप लोग के सामने है बिल्कुल नई कंडीशन है। सोनी का H300 मॉडल है, इसके अंदर आपको सेल लगते हैं एंड सेल भी जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, बैटरी जिस तरह बैटरी चार्ज होती है तो सेल भी चार्ज हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो आपको सेल साथ मिलता है तो वो आपको कम से कम भी 500 शूट देता है, 500 शूट देता है, एंड जो आपको कम से कम भी वीडियो बना के तो दो घंटे का वीडियो आपको इजी बना के दे सकता है। तो ये सोनी का H300 मॉडल था, जिसके अंदर आपको सेल लगते हैं, बैटरी नहीं लगती लेकिन सेल भी चार्ज होते हैं। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है निकॉन का L340 मॉडल पड़ा हुआ है, जिसका आपको 20 मेगापिक्सल है एंड 28x जूम है, और ये 10.9 कंडीशन है, इसके अंदर भी आपको सेल लगते हैं, इसके अंदर बैटरी नहीं लगती लेकिन सेल भी वही जो आपको मैंने पहली वीडियो बताया वीडियो के अंदर सोनी का, कि आपको इसका जो सेल मिलेंगे वो कम से कम 500 शूट करेगा प्लस के साथ, एंड अगर आप उन्हें वीडियो बनाएं तो वीडियो कम से कम भी 2 घंटे बनाएगा। तो इसका जो प्राइस है 15,000 रुपये है, और आप लोग जैसे जो कंडीशन इसकी 10x10 कंडीशन है, ये निकॉन का L340 मॉडल है। तो उसके बाद हम चलते हैं लेंसों की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास फिक्स लेंस पड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो पड़ा हुआ है निकॉन का डी माउंट में लेंस पड़ा हुआ है, 1.8 अपर्चर है, और इसका 10x10 कंडीशन है, और इसका जो प्राइस है वो आपको 10K मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फुल फ्रेम के ऊपर आपको ऑटो बॉक्स पॉइंट है, जो जितने भी नए मॉडल आते हैं उसके ऊपर ये मैनुअल लेंस चलता है, जिस तरह कि 3100 या 3200 3300 हो गया निकॉन के जो मॉडल है, या आपका 5100 5253 हो गया, इसके ऊपर ये मैनुअल चलता है। लेकिन अगर आप 7000 की चलते हो 7000 7100 7200 जो 7500 मॉडल है, तो उसके ऊपर ये ऑटो बॉक्स लेंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटो बॉक्स मिल जाता है, जितनी भी फुल फ्रेम बॉडी जाता है 750 जी हो गया या 610 हो गया, तो उसके ऊपर ये ऑटो बॉक्स है। तो
इसका जो प्राइस है 10K है और इसका 10x10 कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ यंगनो का पड़ा हुआ है 50mm 1.8, ये यंगनो का लेंस है और कैनन के लिए यूज़ होता है। तो ये आप जिस तरह मर्जी बॉडी के ऊपर लगाएं उसके ऊपर ऑटो चलता है। तो इसका प्राइस जो है 6000 रुपये का है, ये भी 1.8 पर चढ़ा है। तो उसके बाद पड़ा हुआ हमारे पास 1770 लेंस पड़ा हुआ है 2.8 का, जो मतलब है अगर आप लो लाइट में काम करना चाहते हो, जिस तरह की आपकी लाइटिंग कम है और इसका अपर्चर आप मिरर के ऊपर लगाते हो 2.8 के ऊपर, तो आपकी लाइटिंग बढ़ती है। इसलिए कि इसका अपर्चर नीचे, जितना इसका लेंस के जितने अपर्चर नीचे होता है उतना आपको लो लाइट में काम देता है। तो ये लेंस 1770 है, 2.8 सिग्मा के अंदर है, निकोन अमाउंट में है और ये भी आपको फुल फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हो। जिस तरह भी बॉडी हो आपका 7100 7200 उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितने नए मॉडल के मॉडल जितने भी है उसके ऊपर आपका ये लेंस ऑटो नहीं चलेगा, मैनुअली चलेगा। तो ये 1770 है, 2.8 लेंस है, लो लाइट के लिए बेस्ट लेंस है वीडियो के लिए। एंड इसका जो प्राइस है 25K है, 25000 रुपये का लेंस है, ये सिग्मा का है और कंडीशन आप लोग देख सकते हो, इसकी कंडीशन साफ़ सुथरी है, आप लोग देख सकते हो इसकी कंडीशन। सिग्मा का है, 1770 लेंस है, 2.8 और जो इसका प्राइस है आपको मैंने बताया 25K है। तो उसके बाद चलते हैं किरण का जो हमारे पास जूम लेंस पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास 55200 लेंस पड़ा हुआ है, USM लेंस है 55200 का, जो आउटडोर हमारा यूज़ होता है एंड अगर आप इंडोर भी यूज़ करें, लेकिन इंडोर के अंदर हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप ग्रुप फोटो जो होता है वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसके ऊपर आप एक बंदे का तस्वीर क्लिक कर सकते हो इंडोर के अंदर। तो जो हमारा आउटडोर है, आउटडोर के हमारा बेस्ट ऑप्शन है 55200 के, आउटडोर में हम इजी होके यूज़ कर सकते हैं एंड ये USM है और इसका जो प्राइस है 13000 रुपये है। उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का 7300 लेंस पड़ा हुआ है, लेकिन ये टिमरॉन का है और ये अमाउंट जो लगा हुआ है ये कैनन की लगा हुआ है। तो ये आउटडोर लेंस है, आउटडोर का ये होता है कि अगर बंदा प्रिंक बनाता है या आपने आउटडोर कोई शूटिंग करनी हो या यूट्यूब के लिए कोई वीडियोज़ बनानी हो, तो आउटडोर जितनी भी हमारी वीडियोज़ है 7300 सबसे बेस्ट लेंस आता है। बेसिकली अगर आप प्रैंक्स करते हो तो उसके लिए आपको सबसे अच्छी चॉइस मिल जाती है 70-300, या आपने आउटडोर फोटोग्राफरी करनी हो क्योंकि ये 70 से स्टार्ट होता है एंड 300 तक जूम भी करता है, तो ये सबसे अच्छी चॉइस आती है आउटडोर के लिए। जितनी भी यूट्यूबर्स हैं जो प्रैंक्स बनाते हैं या आपने आउटडोर कोई वीडियो बनाया दूर से, तो इसके लिए आपको ये अच्छी ऑप्शन मिल जाती है एंड फोटोग्राफी भी। तो ये इसका जो प्राइस है 14000 रुपये है, ये 70-300 का है, टिमरॉन लेंस है, लेकिन ये कैनन अमाउंट पर आप यूज़ कर सकते हैं।